किसी भी धर्म की अवमानना करने वाले का मैं विरोधी हूं सर। मैं एक बात लेकिन आपसे पूछते हुए, नहीं नहीं एक, एक, एक कुछ एक बातें सर जिसमें डिमार्केशन लाइन समझ में नहीं आती। I will intervene. I think can I come decipher करूं उनका सवाल। क्या मैं इनसे एक बात पूछकर आपके पास आ सकता? हां जरूर, मैं आपके पास भी आऊंगा और आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक बात मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि ये कहना कि उसको लेकर कोई भी बात ऐसी नहीं है जो ये स्थापित करती हो कि वहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वहां पर हर इतनी सारी बातें कही गई थी, साथ में आप कहते हैं सेना की निष्ठा पर सवाल नहीं। बिल्कुल, सबूत मांगना और साथ में कहना कि सेना की निष्ठा पर सवाल नहीं है, दोनों बातें अलग कैसे हैं? बिल्कुल अलग नहीं है। बात यह है, राष्ट्रपति उत्तर हमारे यूएसए के, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को वहां पर अटैक किया और उसका पूरा वीडियो निकाला। अगर वहां का वीडियो हो सकता है और वो सबको डिस्प्ले हो सकता है तो यहां भी हो सकता था। बात यह है कि मेरी उसमें कोई गिनती किसने शुरू की? सुषमा स्वराज जी ने की, अमित शाह जी ने की, फिर आदित्यनाथ जी ने की, दिग्विजय सिंह ने तो नहीं कहा कि इतने लोग मरे इतने लोग नहीं मरे, मैंने तो नहीं कहा। लेकिन सर ये तो आपकी बातों पे राहुल जी को कहना पड़ रहा है ना, कहना पड़ रहा है तो मैं उसको सम्मान करता हूं। कह रहे हैं कि मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, आदमी जो करे, आर्मी जो भी करे उसके लिए सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उनके जैसे सीनियर लीडर ने बेतुकी बात कही। मैंने आर्मी से जब सवाल ही नहीं किया, मैंने तो जिन लोगों ने ये बयान दिए थे उनसे सवाल किया था, मैंने आर्मी सवाल कहां किया था? ठीक है, अभी 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 थोड़ा सा मुझको लाइट करने दीजिए माहौल को, उसके बाद फिर से आता हूं मैं इस तरफ। ये जरा ये कुछ तस्वीरें मैं यहां रखना चाहता हूं और दिग्विजय जी से एक एक लाइन पर उन तस्वीरों पर कुछ कमेंट चाहूंगा मैं। यहां तस्वीर आएगी और दिग्विजय जी की मैं इस पर बड़ी एक्सप्लिसिट सी एक वन लाइनर चाहूंगा और मैं ये भी उम्मीद और वन वर्ड अप टू यू, अगर एक वर्ड से काम चलता है तो वो भी चला सकते हैं। पहली तस्वीर जरा लाइए यहां, ये है राजस्थान का भविष्य कौन। इसमें एक सूरत है अशोक गहलोत की और दूसरी सूरत है सचिन पायलट की। कांग्रेस विधायक दल तय करेगा। चलिए आगे। कांग्रेस विधायक दल तय करेगा, इसमें ऑप्शन नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक और विकल्प इसमें जोड़ दिया। वस्तुनिष्ठ के हिसाब से सर ऑप्शन यही है। अगले वाले में ऑप्शंस में रहेंगे या कुछ अलग से आएगा? जो आपको कहना चाहिए। चलिए आइए, बेहतर राजनेता कौन है? बेहतर राजनेता कौन है? और ये हैं वो तस्वीरें, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, मैं दिग्विजय सिंह जी की राय, इनमें से एक भी नहीं। तो अगर एक नाम लेना है तो वो कौन? एक भी नहीं, जीरो, इसमें से कोई नहीं। अगला सवाल, कांग्रेस का दुश्मन कौन? अब फिर से ये तस्वीरें, दोनों असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल, इसमें दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कांग्रेस की दोस्त कौन, ममता बनर्जी या मायावती? ये बात, ममता बनर्जी कांग्रेस की ही रही है, मायावती जी कांग्रेस में नहीं रही है। दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं। समय अनुसार स्वादानुसार का एक और वर्जन देखिए, समयानुसार। ये कांग्रेस की दोस्त कौन, ये देख लिया आपने, ममता बनर्जी, मायावती, समय के अनुसार, और वो अभी भी मानते हैं कि ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग है भी नहीं। अगला चलिए, बेहतर प्रधानमंत्री कौन, अब जरा इसमें भी राय लेते हैं, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह, आपकी निजी राय। देखिए मेरी निजी राय, दोनों समय के साथ बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे, समय के अनुसार, एक 80 के दशक में और एक 90 तक, दो हजार चार से 2014 का इनका बेहतरीन समय रहा और उनका 80 के दशक में। और अगर आपको दो को अकोमोडेट नहीं करना हो, एक ही नाम लेना हो तो कौन सा लेंगे? ये तो मेरा अधिकार है ना, मैं किसको करूं? दोनों को अकोमोडेट करेंगे नेचुरली, ये एक की जगह में दो अकोमोडेट हुए हैं यहाँ, दोनों ही अपने अपने समय के बेहतर प्रधानमंत्री। देश का लोकप्रिय नेता कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी लोकप्रियता 55 सीटें, 303 सीटें, लोकप्रियता छोड़ दीजिए उस बात को, राहुल गांधी ईमानदार व्यक्ति है, सच का सच कहता है और पूरे तरीके से अपनी बात पे गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता है।
ऑडियंस अपनी तालियों से क्या कह रही है उसके पास अच्छा, जाकर पहले, पहले तालियों से क्या कहा नहीं पूछा आपने मुझे आपत्ति इस बात मुझे आपत्ति पहले तालियों से क्या कहा वो भी समझूंगा और इस बार ताली से क्या कहा वो भी समझूंगा राजगोपाल सर आपने अभी भारत जोड़ो यात्रा हुआ आपने कहा कि राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय नेता हैं तो क्या राहुल गांधी जो हैं 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और उससे विपक्ष की एकता के ऊपर क्या असर पड़ेगा राशिद जी फिर आप उसको वहीं पर ले आते हैं भारत जोड़ो यात्रा हम लोगों के लिए वोट मांगो यात्रा नहीं रही है 2024 में आपको मैं वापस ले जाना चाहता हूँ 2004 में 2004 में सब लोग कह रहे थे इंडिया शाइनिंग नो ऑप्शन बट अटल जी कह रहे थे नहीं कह रहे थे पूरा देश कह रहा था 2004 में क्या हुआ सरकार बनी यूपीए वन बना डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम कहीं था क्या वे प्रधानमंत्री बने और सुन लीजिए और 10 साल तक सफलता से प्रधानमंत्री पद पर रहे तो लोकप्रिय नेता क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है ये आप कह रहे हैं बात नहीं है लोकप्रियता का आपका मैं आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 में और 2014 में कितने लोकप्रिय थे 2004 में और कितने लोकप्रिय हो गए 2014 में कुर्सी जो है वो बहुत सारी चीजें सिखा देती है लोकप्रियता कुर्सी के हिसाब से भी तब्दील होती है